नमस्कार साथियों, वे डेगरो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। साथियों, आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ खुशखबर है कि पशुधन सहायक नई भर्ती 2025 के आ चुकी है। लगभग 2000 प्लस पदों पर यह भर्ती आ चुकी है। इस जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है उनके द्वारा संशोधित कैलेंडर जारी कर दिया गया है नए भर्ती को लेकर। पूरी जानकारी के लिए, संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना साथियों, यहाँ पर आपको इसी तरह की ब्रेकिंग न्यूज़ और संभावित जो न्यूज़ है वो देता रहूँगा। टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को आप जरूर ज्वाइन कर लेंगे। तो साथियों, सबसे पहले देखिए कि लो आ गए आपके लिए पशुधन सहायक की नई भर्ती 2025 की, और 2000 लगभग प्लस पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। साथियों, तो सबसे पहले तो मैं आपको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो संशोधित कैलेंडर जारी किया गया है वो मैं आपको बता देता हूं। साथियों, डेट आप देख सकते हो 24/10/2024 जो जारी किया है, और आप भर्ती नंबर इसका 60 देखिए, क्रम संख्या 60 पर पशुधन सहायक की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। ये जो पहले कैलेंडर जारी हुआ था उसमें नहीं थी, लेकिन मैंने आपको संभावना इसकी बता दी थी। साथियों, नई भर्ती से रिलेटेड जो भी अपडेट मैंने आपको दी थी और मैंने आपको कन्फर्मली बताया था कि 2025 में आपको दो पशुधन सहायक की नई भर्ती देखने को मिलेगी, और फाइनली साथियों आपके सामने पशुधन सहायक की नई भर्ती, वो भी सेकंड ग्रेड। ठीक है साथियों, पशुधन सहायक सेकंड ग्रेड सीधी भर्ती परीक्षा 2025 जिसमें CET लागू नहीं है, नॉन CET भर्ती है। एग्जाम डेट, परीक्षा एग्जाम कब होगा? 13/6/2025 शुक्रवार को, 13 जून 2025 को। साथियों, 2025 के नाम से भर्ती आई है, 2025 में एग्जाम होगा शुक्रवार को, और जो एग्जाम का मोड रहेगा वो ऑफलाइन माध्यम से रहेगा। ऑफलाइन आपका लिखित में राइट एंड टेस्ट होगा, यानी कि एग्जाम होगा। जो संभावित जो रिजल्ट जारी करने की डेट है वो 13/9/2025 रखी गई है। साथियों, 13/9/2025 संभावित डेट रखी गई है रिजल्ट जारी करने की। तो साथियों, आपके लिए बहुत ही बड़ी यही खुशखबरी है कि जिस प्रकार से मैंने आपको पहले भी अपडेट दी थी कि आपके 2025 में नए भर्ती आने को देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ साथी 2026 का बता रहे थे, हालांकि उनकी बात सही नहीं निकली। मैंने आपको इससे पहले जितने भी अपडेट दी थी नए भर्ती को लेकर यही दी थी कि आपके 2025 के नाम से नई पशुधन सहायक की भर्ती आएगी, और फाइनली आज ये भर्ती आपके बीच में आ चुकी है। साथियों, इससे पहले वाले अपडेट में मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कैलेंडर जारी हुआ है और अगर अपनी भर्ती ऐड नहीं हुई तो टेंशन लेने की बात नहीं है। जब भी नई भर्ती ऐड होगी तो कर्मचारी चयन बोर्ड संशोधित कैलेंडर जारी कर देगा, तो वो की वही बात यह सामने आई है। अब रही बात साथियों पदों के, कितने पदों पर आएगी, तो साथियों हालांकि अभी कन्फर्म नहीं हुआ है कि कितने पदों पर भर्ती आएगी, तो लेकिन साथियों 2000 प्लस पदों पर आपका 101% फाइनल है, और लगभग ये 2500 पदों तक आ सकती है। 2000 से 2500 के बीच में आपके फाइनली पशुधन सहायक के नए भर्ती जिसकी अभ्यर्थना है वो कर्मचारी चयन बोर्ड के पास पहुंच जाएगी, और विज्ञप्ति आपके जारी कर दी जाएगी आगामी महीने में। साथ तो सूचनाओं के मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ, आगामी महीनों में आपके नए पशुधन सहायक की भर्ती एड कर दी जाएगी। सूचनाओं के मुताबिक साथियों 2041 या फिर 42 पदों पर बताई जा रही है, लेकिन मैं आपको कंफर्म नहीं बता के 2000 से 2500 पल के बीच में ये नए भर्ती आने की प्रबल संभावना मैं आपको बता रहा हूँ। और सूचनाओं के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि सिलेबस में कुछ परिवर्तन होगा, तो साथियों सिलेबस का भी मैं आपको बता देता हूँ कि हालांकि लगभग आपका सिलेबस इसमें कम्प्लीट है। अगर वेटरनरी की बात की जाए तो अपने 10 सब्जेक्ट आते हैं, 10 वो के वो है। रही बात GK की, तो साथियों GK का लगभग तो कवर है, क्योंकि सब जो भी GK है वो 12 प्लस लेवल का ही है, लेकिन कुछ टॉपिक्स नहीं है तो नए टॉपिक जोड़ सकते हैं। 19-20% मतलब कि 19-20 जो कहते हैं ना कि वो परिवर्तन हो सकता है, 19-20 का फर्क हो सकता है नए सिलेबस में। ज़्यादा सिलेबस होने की मेरे को कोई संभावना नहीं लग रही, अगर होता भी है तो वो फिर विभाग पर डिपेंड करता है। और हाल ही में पशु परिचर के पशुपालन विभाग में नई भर्ती चल रही है जिसका अगले दिसंबर महीने में एग्जाम है, और आपकी ये नई भर्ती भी निकाल दी गई है पशुधन सहायक की। इसके योग्यता ये रहेगी कि जो भी जिन्होंने भी पशुपालन विभाग के अंदर 2 साल का डिप्लोमा HDP कर रखी है पशुपालन विभाग के अंदर,
वो इसमें एलिजिबल है, वो इसमें एग्जाम दे सकेंगे। इस भर्ती के लिए विशेष योग्यता रखी गई है, वो पशुधन सहायक के लिए 2 साल का डिप्लोमा। अदर कोई भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकेगा फॉरम। और ये आपकी भर्ती आ चुकी है, यानी कि जो कैलेंडर जारी किया है उसमें जोड़ दी गई है, ठीक है साहब। तो कैलेंडर जारी किया है उसमें आपके पशुधन सहायक की भर्ती जोड़ दी गई है, लेकिन इसकी विज्ञप्ति आना शेष है और वो विज्ञप्ति बहुत ही जल्द आ जाएगी। और साथ तो कैलेंडर में अगर भर्ती ऐड हुई है तो मतलब कि फाइनल 101% आपका फाइनल है, भर्ती आ चुकी है। और इससे पहले इसका एग्जाम नहीं हो सकता, लेकिन कुछ समस्याओं के चलते इसको नीचे भी जाना पड़ सकता है, यानी कि आगे भी बढ़ सकती है लेकिन आपका पहले नहीं आएगा। 13 जून से पहले एग्जाम नहीं होने वाला, बाद में हो सकता है कुछ कारण वैसे इसको आगे भी बढ़ा दिया जाए, ये बात अलग रही, लेकिन आपका यहाँ तक तो ये फाइनल है, भर्ती कंफर्म हो चुकी है पशुधन सहायकों के लिए। बहुत ही अच्छी खबर है, ऐसी ही अपडेट मैं आपको यहीं पर देता रहूँगा। जुड़े रहिएगा, सबको शेयर कीजिएगा और कमेंट करके आप मुझे बताना कि आपको न्यूज़ कैसी लगे, और जो भी मैं खबर देता हूँ वो आपको सही देता हूँ। अगर कोई खबर गलत लगती है तो मैं आपको भी बता देता हूँ कि इसमें कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार से आप निश्चित रहे, अपनी तैयारी जोरों शोरों से रखें, और जो जीके का संशोधन है उसी के हिसाब से आप पढ़े। नई जीके यानी कि जो 50 जिले और 10 संभाग है उसके हिसाब से आपको जीके पढ़नी है, और अपने जो 10 सब्जेक्ट है वो 10 आपको पढ़ने हैं। सिलेबस वही का वही रहेगा, ज़्यादा कुछ विशेष परिवर्तन नहीं होने वाला है। हालांकि जीके में परिवर्तन हो चुका है, 10 संभाग और 10 संभाग और 50 जिले आपको पढ़ने हैं। तो उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखें, और भी कोई अपडेट आते हैं मैं आपको जरूर बताऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।